गोलापार क्षेत्र के किसानों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय हल्द्वानी में पहुंचकर अपने क्षेत्र में आवारा जानवरों द्वारा किए जा रहे नुकसान का लेकर आवाज उठाई। किसानों का कहना है कि प्रशासन शहरों से जानवरों को उठाकर ग्रामीण इलाकों में छोड़ रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने से ग्रामीण इलाकों में अचानक जानवरों की संख्या में इजाफा हुआ है। हालात ऐसे हो गए हैं कि फसल तो चौपट होती ही है, उल्टा अब ग्रामीणों को उनकी जान का भय भी सताने लगा है, क्योंकि आए दिन जानवरों के चलते दुर्घटनाएं और जानवरों के हमले के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में गोलापार चौरंगलिया से दानी बंगार और काट गोदाम तक आवारा जानवरों का भारी आतंक है, जिससे निजात दिलाने की मांग को लेकर वह उप जिलाधिकारी के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भाई साहब धन्यवाद आपका। गोलापार इस समय इतनी समस्या से गुजर रहा साहब, काठगोदाम से लेकर दानीमंगर तक हमारी 11 ग्राम सभाएं हैं, जिसमें 42 गांव हमारे हैं, और सैकड़ों की तादाद में रोड पे जानवर घूम रहा है, जिससे आए दिन जनहानि हो रही है और वो जानवर फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, और जिस कारण एक तो दोहरी मार हमारा किसान झेल रहा है, फसलों को नुकसान हो रहा है और आए दिन उसको दुर्घटना का भय हो रहा है। आपका नाम? मैं हेमंत बगडवाल। सर देखिए, जंगली जानवरों के साथ साथ जो आवारा पशु जो सड़कों पर घूम रहे हैं, ये हमारे जो फसल, इसमें गेहूं की मुख्य फसल जो होती है गेहूं की होती है, ये लगातार इसको खा के और इसमें चल के इसका नुकसान हो रहा है, और सड़कों पर आए दिन हमारे जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छात्र छात्राएं, उनके लिए भी बिल्कुल भय का माहौल, आपस में झगड़ते हैं, तो ये उनको भी नुकसान लगातार जो हमें देखने को मिल रहा है, और कई दुर्घटनाएं होगी। शासन प्रशासन को हमने अवगत भी कराया, उसके पल पर साथ हमारे ग्रामीण एरियाओं में आवारा पशुओं की तादाद दिन पर दिन बढ़ रही, और कई बार अवगत कराने के बाद में कोई सुनाई नहीं हुई है। हमारा ये कहना है कि जिस तर्क पर शहर में आवारा जानवरों को पकड़कर